सफर है सुहाना और मौसम है। देखो भाई हवेली है, ये रंगला पंजाब। हे गाइस, तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छा हूँ, और मैं यहाँ पे अभी अमृतसर में था, गोल्डन टेंपल। तो मैं यहाँ पे 3 दिन रुका हुआ था। तो मैं अभी जो टाइम हो रहा, 7:30 हो रहे हैं, और अभी से गर्मी भयंकर होने लगी है। तो मैं सोचा था अर्ली मॉर्निंग के लिए, बट कोई नहीं, टाइम हो गया। तो अपन निकल रहे हैं, और यहाँ से मैंने हिचहाइकिंग शुरू कर दी है, और हाईवे पे जाके वहाँ से हिचहाइकिंग शुरू मेरी मुझे मिलेगी, जो लिफ्ट है वहाँ से मिलेगी। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, और ये गोल्डन टेंपल है। तो मैं पहुँच के हाईवे पे फिर आपको अपडेट देता हूँ। ये है गोल्डन टेंपल, व्यूज़ देखो। अभी मौसम ठंडा है तो आपको अच्छा मिलेगा। बाकी ये देखो जी, और ये चौक है जो कि रोड पे आता है। हाँ देखो जी, ये सामने जो आपको मंदिर दिख रहा होगा, 1761 में इसकी स्थापना हुई थी। देख लो कितना पुराना मंदिर है। ये देख लो, ये नई वर्दी एक पुरानी वर्दी है, दोनों हैं साथ में। तो ये मार्केट है अमृतसर की, जो गोल्डन टेंपल के पास लगती है। और ये चौराहा है, चौराहे का नाम पता नहीं, ऑटो अच्छा सर, बट अपन जा रहे हैं अब हाईवे की ओर। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो गाइस, ये ब्लॉग एडवेंचर होने जा रहा है, तो गाइस वीडियो पूरा धमाकेदार होगा। तो गाइस बने रहो, और यार एक चीज़ बता दो, वीडियो स्किप मत किया करो, वीडियो पूरा देखा करो, तो जिससे कि आपको जानकारी मिलेगी और सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। तो गाइस, ये जो भी अमृतसर से हो कमेंट करके बताना, ये कौन सी जगह, कौन सा चौराहा है, और ये किस के कौन से राजा महाराजा की फ़ोटो लगी है, तो कमेंट करना है। इतनी मिलिट्री तो नहीं थी, अभी ये कहाँ से आ गई, अपन जा रहे हैं। ये देखो धूप आ गई जी। तो ये कौन सा चौक है ये भी बताओ कमेंट करके। अरे कोई किदा उड़ दे भाई। ये देखो भाई, मैं हाईवे पे आ गया और मुझे लिफ्ट भी मिल गई, क्योंकि अंकल ने दिया। अंकल जी नाम बताओ जरा। और ये अंकल जी का नाम शैलेश है, और मुझे पहले लिफ्ट मिल गई गाइस। तो मौसम अच्छा है, और गर्मी के मारे बुरा हाल है। तो एक इससे पहले और भी लिफ्ट मिली थी, पसीना करके मैं वीडियो नहीं बना पाया। फर्स्ट टाइम किसी लड़की ने लिफ्ट ली थी, तो बड़ा हेल्प हो गया था यार। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अमृतसर से, और जा रहा हूँ अब चंडीगढ़। तो आप बने रहो ब्लॉग्स पे, आपको पूरा ब्लॉग्स देखने को मिलेगा, और ये ब्लॉग भी एडवेंचर होगा, गर्मी से बुरा हाल, और ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। गाइस अपनी हिचहाइकिंग शुरू हो गई है, और अपनी लिफ्ट यहीं तक थी। तो आज मुझे फर्स्ट टाइम किसी लड़की ने लिफ्ट दिया था, अच्छा लगा मुझे। ये लड़कियाँ हेल्प करती हैं भाई, वरना रोड में कौन करता है, खासकर लेडीज़ें तो बिल्कुल नहीं। तो मुझे फर्स्ट लिफ्ट मिली थी, अच्छा लगा, और मैं अब दूसरी लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ, हाईवे पे आ चुका हूँ। चलो लिफ्ट मिल जाएगी, मिलता हूँ फिर। गाइस तो मुझे लिफ्ट मिल गई है, और भैया ने दिया। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? लवप्रीत। लवप्रीत भैया का नाम है, और भैया का देखो कनाडा से स्पॉन्सर मिल गया, पर भैया कह रहे जाने का मन नहीं है। तो ये फर्स्ट बंदे हैं मुझे यार देखें जो मतलब जाना नहीं जा रहे हैं। तो मुझे जलंधर तक की लिफ्ट मिल गई है, और यार गर्मी से देखो ये कपड़ा पूरा गीला हो गया, इससे ही फूसते फूसते बुरा हाल होता जा रहा है। तो गर्मी में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ आसान नहीं होता यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, खासकर गर्मी और बरसात में। तो बट कोई नहीं, मैं अपडेट देता रहूँगा, जो मर्जी हो, आंधी हो चाहे बारिश हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो मिलता हूँ फिर। गाइस तो अभी हम आ चुके हैं जलंधर, और जलंधर ये सिटी है,
तो फिर से मुझे सिटी से बाहर निकलना है, और भाई साहब ने मुझे यहाँ छोड़ दिया जलंधर सिटी पे। हाईवे है ज़्यादा दूर नहीं, मैं पहुँच जाऊँगा। तो चलो फिर नेक्स्ट लेफ्ट का वेट करते हैं और अपन निकलते हैं। तो भाई मैं जलंधर पहुँच गया, पाल है तो मुझे थोड़ा आगे तक का ड्रॉप कर देंगे, सिटी से बाहर निकाल देंगे। तो थैंक यू सो मच, और गर्मी का है बुरा हाल। गाइस धमाकेदार मुझे जलंधर से एंट्री हो गई, तो मुझे लिफ्ट मिल गई, वीर जी ने लिफ्ट दिया। वीर जी की नाम है अपना? मेरा नाम प्रभजीत है। तो वीर जी का नाम प्रभजीत है, और हम फगवाड़े तक जा रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट। तो गाइस ऐसे शानदार लिफ्ट में, तो मैं अभी जलंधर पे हूँ और हम पाजी के साथ जा रहे हैं चाची में, और आपको दिखाते हैं ओल्ड पंजाब। ये जलंधर पे ओल्ड पंजाब है, आप देख लो प्रॉपर सारा कुछ रंगला पंजाब है ना, इसको रंगला पंजाब बोलते हैं। तो आपको सारी चीज़ें जो ओल्ड है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये देखो, और अभी हम जा रहे हैं हवेली चाय पीने। ये देखो भाई, ये हवेली है, यहाँ पे हम चाय पीने आए। तो हमारे साथ पाजी है प्रभजीत पाजी, हम यहाँ पे चाय पीने आए। देखो जी कितनी भीड़ लगी है। अरे ये हवेली पे टी पॉइंट है, चाय कॉफ़ी लस्सी जो भी आपको चाहिए हो। लोग पाजी हमारे साथ है, पाजी की तरफ से हमारी हमारे लिए चाय। तो देख लो गाइस, ये ट्रेंडिंग पे है जलंधर। थैंक यू जी। तो हमारी चाय आ चुकी है गाइस, सुबह की चाय है हमारे पाजी के साथ, और हम चाय एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हवेली है, हवेली भी हम चाय पी रहे हैं। मेरे पीछे का बैकग्राउंड आप देख लो। ये देखो गाइस, हवेली है ये रंगला पंजाब, जो ओल्ड है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सारा कुछ ओल्ड है। गाइस हमें लिफ्ट मिली थी एक और धमाकेदार एंट्री के साथ, तो अभी हमें इनोवा से लिफ्ट मिली थी, पाजी इनोवा से थे, तो उन्होंने हमको चाय वगैरह पिलाई। अभी हम ये चंडीगढ़ हाईवे पे आ गए हैं, और यहाँ से हम चंडीगढ़ जाएंगे। तो मेरी लिफ्ट यहीं तक थी, अब मैं यहाँ से दूसरी लिफ्ट ले रहा हूँ, देखता हूँ कितनी देर में मिलती है। तो गाइस इसी बार एक बार और हमें अच्छी लिफ्ट मिल गई है, और ये भाई ने दिया हमको लिफ्ट, इनका नाम संतोष है, और ये मार्केटिंग का काम करते हैं गाइस। तो हमें धमाकेदार लिफ्ट मिलती जा रही, बहुत अच्छा लग रहा है। सफ़र है सुहाना और मौसम है रंगीला। गाइस मौसम अच्छा है, तो और घूमने में मज़ा भी आ रहा, फुल एंजॉय हो रहा है। सुहाना मौसम, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो थोड़ी गर्मी भी नहीं लग रही, गर्मी से राहत हो गई, अच्छा लग रहा है। तो अब मैं मेरी लिफ्ट यहीं तक थी, और पीछे शबील चल रही है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, जो आपको कहीं कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, जो पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। जगह जगह पे सभी ठंडा पानी पीने को मिल जाएगा, लंगर वगैरह मिल जाएंगे। तो ये सिर्फ आपको पंजाब में ही देखने को मिलेगा, या तो जहाँ पंजाबी होंगे वहाँ पे। तो अभी मैं हाईवे पे हूँ, नह गई है, और ये हमारे पाजी ने लिफ्ट दिया। पाजी के नाम है आप कहाँ तक छोड़ देंगे? गाइस फाइनली मुझे चंडीगढ़ की लिफ्ट मिल गई, और मौसम भी गजब का है यार, तो अच्छा लग रहा है, फुल एंजॉय हो रहा है। तो मैं आ चुका हूँ, हे गाइस, तो मैं चंडीगढ़ आ चुका हूँ, और मेरी लिफ्ट भी चंडीगढ़ तक थी। तो अब मैं चंडीगढ़ आ चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ किसी गुरुद्वारे पर रुकूँगा, तो वहाँ से शुरू करते हैं सफ़र, चंडीगढ़ एक्सप्लोर करते हैं ना। तो अभी जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कौन सा नियर बाय अबाउट है, फिर शुरू करते हैं। चलो जी मैं पहुँच गया चंडीगढ़। तो यार मुझे जाना था चंडीगढ़, तो मुझे जो लिफ्ट दी थी तो भाई ने मुझे मोहाली में उतार दिया। वो तो मुझे जब यहाँ पे आया रास्ते में, मुझे लगी थी भूख, तो गुरुद्वारा देखा, तो गुरुद्वारे में जाके पता लगा। तो अभी मैं यहाँ से, दोपहर का टाइम हो रहा है और 3 बजने वाले हैं, तो यहाँ से खाकर फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से चंडीगढ़ के लिए। और बाय मिस्टेक मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैंने मैप भी नहीं लगाया था। तो अब मोहाली से चंडीगढ़ जा रहा हूँ।
देखता हूँ कितनी देर में लिफ्ट मिलेगी, कितनी देर में पहुँचूँगा, सारा कुछ अपडेट दूँगा। बने रहो, अभी लंगर खाने जा रहा हूँ। रोटी आ गए, दाल आ गई है, आके मिलता हूँ। जाना था चंडीगढ़, आ गया मोहाली। तो ये भी एक बाई डिफ़ॉल्ट होता है, तो मैं भूख लगी थी तो गुरुद्वारा आ गया। चलो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और चंडीगढ़ पहुँच के आपको अपडेट देता हूँ। तो वेट फॉर नाउ, अभी हाईवे जाऊँगा, हाईवे पे वहाँ से पता लगेगा कितनी देर में पहुँचूँगा। तो पहले हाईवे कोशिश करता हूँ पहुँचने की, फिर आपको बताता हूँ। गाइस मैं आ चुका हूँ चंडीगढ़, और ये चंडीगढ़ हाई कोई ऐसा चौराहा है। अभी मैं जा रहा हूँ सहाना लेक। देख लो भाई, यहाँ पे यार हेलमेट की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं बिना हेलमेट के घूम रहा हूँ। तो देखता हूँ यार कैसे होगा, मैनेज करता हूँ। देख लो यहाँ पे सब ऑनलाइन है भाई, इतना VIP है। एक घंटे से भटक रहा हूँ, कहीं पे रुकने की जगह नहीं मिल रही, ऐसे में गुस्सा आती है। जो क्या है यार चुथी आपका, इसीलिए आने का मन नहीं होता ऐसी जगह पे। मंदिर गुरुद्वारे पे कोई रुकने नहीं दे रहा, पता नहीं क्या हो गया, ना कैंप लगाने दे रहे हैं। ये तो पागलों तरीके टहल रहा हूँ, दूसरी जगह जा रहा हूँ, देखता हूँ। गर्मी दिमाग अलग से खाए पड़ी है। गाइस तो गुड इवनिंग, मैं फाइनली चंडीगढ़ पहुँच गया। और चंडीगढ़ यार मोस्ट एक्सपेंसिव जगह है, तो मेरे पास पहली बात तो हेलमेट नहीं, तो जिस कारण मुझे काफ़ी दूर दूर तक पैदल चलना पड़ा। तो यार आपसे आप लोगों को एक चीज़ मैं आपको शेयर कर दूं, ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आप सबकी प्रॉब्लम है। जैसे आप स्टूडेंट हो गए तो आप कहीं जाते हैं, सोचते हैं कि हम मंदिर जाएंगे, वहाँ पर रुक जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि मतलब पॉलिटिक्स चल रहा होता है, कहते हैं इनसे पूछ लो, उनसे परमिशन लेके आओ, फलाना। हम नए होते तो हमें पता नहीं होता हमें कहाँ जाना है, किसके पास जाना है। तो जब वो इधर उधर टहलाने लगते हैं तो हम ये पूछना चाहेंगे, यार गाइस आपको मैं उन सभी से पूछना चाहता हूँ, ये मंदिर किस लिए होते हैं? यार हम हिंदू होकर के मतलब हमें हमारी जगह पे मतलब रुकने नहीं दिया जाता, ठीक है। इसके बाद गुरुद्वारा में एक उम्मीद होती है, कहीं जब कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे गुरुद्वारे पे भी हमको नहीं रुकने दिया जाता है, वहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे यात्री अलाउड नहीं है, मंदिर में जाते हैं अलाउड नहीं, तो मतलब अलाउ कहाँ पे हैं यार, मतलब हमें हमारे धर्म से भगाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, तो इसको ना अगर आपके पास सलूशन है तो कमेंट करके बताओ, नहीं है तो फिर इसको ना शेयर करना वीडियो को। ये मुझे योगी तक पहुँचानी है, मैं जो माननीय योगी हैं तो उनके पास कुछ ना कुछ उपाय होगा, तो मैं ये वीडियो चाहता हूँ उनके पास पहुँचे, लोग दिखाएं। तो प्लीज़ यार इसको ना शेयर करना। तो आज का व्लॉग यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, मैं 3 घंटे यार आज भटका हूँ। 50 किलो का वजन लेकर के भटकना मतलब मामूली बात नहीं होती, कंधे की ऐसी तैसी हो जाती, पूरे शरीर की बैंड बच जाती है। तो मुझे फाइनली मुझे 23D सेक्टर पर मुनि आसर मंदिर मिला, वहाँ पर यार रुका हूँ। तो 3-4 घंटे भटकने के बाद मुझे मतलब ये ऐसा हो रहा, तो यार ये मतलब क्या है कि मैं मंदिर भी गया, गुरुद्वारा गया, जो हमारे मंदिर है यार मंदिर किस लिए बनाए जाते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। मंदिर में नहीं रुकने दिया जाता, क्यों नहीं रुकने दिया जाता है? आखिर मंदिर बड़े अमीर आदमी के लिए बनाए जाते हैं क्या? अमीर आदमी की तो कुछ उनको ज़रूरत ही नहीं होती ना मंदिर की ना मस्जिद की, वो तो अपने घर पे सुरक्षित उनको सही लगता है तो अपने घर पे रहते हैं यार। मंदिर गरीबों के लिए होते हैं, साधु महात्माओं के लिए है, बताओ जब हमें लोगों को नहीं रुकने देंगे तो क्या फ़ायदा यार मंदिर बनाने का? इससे अच्छा ना हो मंदिर, ना हम जाएंगे ना देखेंगे ना लगेगा। तो यार इस वीडियो को ना शेयर करना। मैं आज का यहीं पर ब्लॉग्स कम्प्लीट करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। तो बहुत दुखी हूँ, कभी कभी दुखी हो जाता हूँ यार ऐसी चीज़ें देखता हूँ सिचुएशन, तो फिर मन होता है कि ब्लॉगिंग छोड़ दूँ, पर मुझे होता है कि कुछ चीज़ें आपको दिखानी होती है, तो मैं सोचता हूँ वो चीज़ आपको दिखाऊं जो आपने कभी देखी ना हो। तो ऐसी प्रॉब्लम होती है यार ना, तो आपको इस वीडियो को शेयर करना यार।